मॉर्निंग क्लास आई थिंक जितने लोगों को एंट्री लेनी थी वो लोग ले चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ क्वेरीज आई थी कुछ बच्चों की तरफ से, तो उन बच्चों ने तो पूछ लिया, लेकिन हो सकता है किसी और के भी दिमाग में हो, तो मैं वो चीजें क्लियर कर देती हूँ, सबको बता देती हूँ। कुछ बच्चों का कहना है कि जो इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था जिसमें प्रॉप्ड कैंटिलीवर हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसमें क्या था कि वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी इससे पहले भी एक बार सीखा हुआ है, सोम में आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। उसको डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व किया गया था, जिसमें इंड से जो लास्ट वाला इंड होता है उससे हम लोग मतलब जो लास्ट का जो इंड होता है उससे हम लोग उसको हटाते हैं, जो भी इंड पे जो भी सपोर्ट लगा हुआ है उसको हटाते हैं और उसका डिफ्लेक्शन देखते हैं। उस मेथड से आपने सॉल्व करना सीखा होगा। इसके अलावा आपने मुलर ब्रिसला प्रिंसिपल सीखा होगा, और उसको उस मेथड से आपने मतलब डिटर्मिनेट बीम को सॉल्व करना सीखा होगा। उससे इनडिटर्मिनेट बीम भी सॉल्व हो जाती हैं, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे। एक क्वेश्चन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से मैंने आपको बताया, एक मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक मेथड मुलर बेसिलर प्रिंसिपल जो आप लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अभी उसको डिटर्मिनेट के लिए आपने पढ़ा था, अब आप उसका यूज सीखेंगे इनडिटर्मिनेट के लिए। इसके अलावा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पास मेथड होते हैं। तो आपको ये तो पता है, आपको एक मेथड तो आता है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि बाकी सारी मेथड हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग सारा काम एक ही मेथड से क्यों नहीं कर लेते। तो बेटा जब आपके कोर्स में इतने सारे मेथड दिए गए हैं, एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से लगाना आपको सीखना ही है, तो ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो उस समय आप ये नहीं कह सकते, मैंने ये बात आपको फर्स्ट डे भी बताई थी कि अगर ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो बेटा आप स्लोप डिफ्लेक्शन से ही सॉल्व करेंगे। आप भले ही सेम आंसर दूसरे मेथड से निकाल के मेरे सामने रख देंगे, मैं उसको बिना देखे कट कर दूंगी, क्योंकि जो मेथड मैंने यूज करने को बोला वो मेथड आपने यूज नहीं किया, सिंपल, ठीक है। तो सारे मेथड आपको सीखने जरूरी हैं। तो आज से अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये इसको सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास एक और मेथड है, मैंने सीख रखा है, तो मैं आगे आने वाला मेथड ना सीखूं, तो ये आपकी बेवकूफत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि किस समय कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करने को बोला जाए ये आप नहीं जानते हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन को आप 9-10 तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। तो सीधी बात है, आपको सीखना पड़ेगा उसको, सारे मेथड सीखने पड़ेंगे और सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने पड़ेंगे, ठीक। दूसरा जो क्वेरी आ रही है बच्चों की तरफ से वो ये है कि अभी तक हमने जो डायग्राम सीखे हैं, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने सीखे हैं, उसमें हम लोग पॉजिटिव ऑर्डिनेट को ऊपर रखते हैं, निगेटिव ऑर्डिनेट को नीचे रखते थे, ठीक है, सही है, मैं नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन बेटा अब ये इनडिटर्मिनेट बीम आप लोग सीख रहे हैं। तो जब कुछ नया सीखते हैं तो कुछ नई चीजें, कुछ नए रूल्स वगैरह भी तो सामने आते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो इसलिए कि बिना मतलब कुछ नया सीखे आप लोग नहीं सीख पाएंगे। गलत वो भी नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव ऑर्डिनेट ऊपर रहता है, निगेटिव ऑर्डिनेट नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन अब आपको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है वो सुपर इम्पोज करके बनाना है, दो अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सुपर इम्पोज आपने किया है। क्या इससे पहले आपने सुपर इम्पोज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सुपर इम्पोज करना सीखा? तो कहीं तो कुछ नया अडॉप्ट करेंगे ना आप लोग। दूसरी चीज, आप प्रेजेंट केस में पहले वाले जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे आप लोग, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक स्लोप होता है, स्लोप नाम की कोई चीज आपने सीखी होगी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जिस जगह जो कर्वेचर आएगा, जैसे कि हम इससे पहले वाला केस ही ले लें, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे देखिए, ठीक
एग्जाम्पल नंबर 3 सभी को दिख रहा है ना? यस मैम, ओके ठीक है। यस तो मैम, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब बोला गया कि आपको उसी तरह से सॉल्व करना है, तो आप दूसरे चीजों में आप दिमाग मत लगाइए, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, ये देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बना है, ठीक है। लेकिन बेटा देखो, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का सबसे सरल तरीका है। आप अगर फिर भी चाहते हो कि नहीं ये सही नहीं है, दूसरे तरीके से हमें बनाना है, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप 1-1 mm की डिस्टेंस पर सभी जगह ऑर्डिनेट निकालिए, मतलब किस जगह 1-1 mm की डिस्टेंस पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उस ऑर्डिनेट को पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नीचे करके और उसे ड्रॉ कर दीजिए। वो एक सही कर्वेचर शो करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो इसका बेस है वो पैराबोलिक है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो ये पैराबोलिक होता है, तो ये इसका बेस पैराबोलिक है। ऊपर ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो है, मतलब कि सीधी बात है ये जो ऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक वो पैराबोलिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो ऑर्डिनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे, वो ऑर्डिनेट ऑब्वियसली इसी बेस से स्टार्ट होंगे और ऊपर की साइड, ये तो नीचे की साइड जाएगा, निगेटिव है तो ये नीचे की साइड जाएगा, लेकिन पैराबोलिकली मूव करता हुआ जाएगा, ठीक। तो आपको फिर या तो आप इतना बारीकी से आराम से 3-4 दिन बैठ के एक बीम को सॉल्व करिए, 1-1 mm की डिस्टेंस पर हर एक ऑर्डिनेट निकालते रहिए और उसे ऊपर नीचे करके ड्रॉ करते रहिए, आपकी मर्जी, ठीक है। और अगर नहीं, ये नहीं करना है, तो ये जो मेथड बताया जा रहा है उसे उसी तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए, अब अगर इसी ऑर्डिनेट को, इस माइनस को आप नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे, तो बेटा वो डायग्राम ही चेंज हो जाएगा, डायग्राम चेंज हो जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप चेंज हो जाएगा। जब उसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें सब कुछ चेंज कर देंगे आप लोग। तो फिर इससे पहले तो आप लोगों ने ये भी सीखा है कि सारा ऑर्डिनेट जो है वो इस बेस से स्टार्ट होता है, इसमें तो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो नई चीजें सामने आती हैं तो उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। हर हर कुछ आपका प्रीवियस वाले रूल्स से तो नहीं चलेगा, वो आपका डिटरमिनेट था, ये आपका इनडिटरमिनेट है। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत कठिन है। पहले वाले उसमें क्या था, देखिए पहले वाले का एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, बेस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हो रहा है। अब वो उन सभी चीजों का यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो अब आपके पास इतना इजी नहीं रहेगा। अब आपको फर्स्ट डे से ये देखने को मिला है, लास्ट तक आपको इसी तरीके के डायग्राम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि ऐसा क्यों बन रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा, वो क्यों नहीं बन रहा? तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव, उसमें ऊपर नीचे बनाने का मतलब यही होता था कि पॉजिटिव निगेटिव शो करना या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शो करना। अब आपको इतना पता है कि अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज है तो वो ऊपर है, ठीक है। निगेटिव है, अगर ऊपर भी करके निगेटिव बोला गया तो मतलब आपको पता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसको नीचे शो करने की आपको जरूरत नहीं है। और जब हमने अलग अलग डायग्राम इनके बनाए, तो हमने पॉजिटिव निगेटिव उसी हिसाब से तो लिए जैसे हम लोग पहले सीखते थे, ठीक है। तो अब जब कुमुलेटिव डायग्राम बनेगा, तो अगर आप प्रीवियस इस कुमुलेटिव डायग्राम जो सुपर इम्पोज जो आपको दिख रहा है पोर्शन, इसमें भी आप अपना प्रीवियस वाले रूल्स रेगुलेशन लगाना चाहेंगे, तो फिर आपको एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा। और वो एकदम बेसिक क्या है कि एक पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल बनता है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना, अगर सिर्फ ट्रायंगल होता तो आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, यहाँ पर आपने बता दिया और बीच वाले इसी को इसी के स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगा के आप बना सकते हैं। लेकिन जब ये इस तरीके का थोड़ा टिपिकल सी चीज सामने आती है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये भी एक तरीके से ट्रायंगल है, ट्रेपेजॉइडल है, इधर पैराबोला है। तो आप किसी जगह पर एक ही रूल रेगुलेशन को लगाकर नहीं फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और ये तो तब है कि मतलब अभी तो ये बहुत सिंपल सिंपल केसेस आपके सामने बताए जा रहे हैं, क्योंकि सिखाया जा रहा है। फ्यूचर में आपके सामने और बड़े बड़े केसेस आएंगे तो और ज्यादा, उसमें तो आप लोग प्रीवियस वाला तो नहीं लगा सकते। और शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने कोई रूल्स रेगुलेशंस में कोई चेंज नहीं किया। मैंने फर्स्ट डे भी यही बोला था कि जो आप लोग सीख के आए हैं वही होगा, लेकिन अब कुछ चेंजेस भी होंगे आगे, वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना बेटा? अब देखते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें एक चीज बच गई थी, इसमें आपका शियर फोर्स डायग्राम बच गया था,
तो क्या शियर फोर्स डायग्राम आप लोगों ने बनाया इसका? ये बचा था ना शायद, शियर फोर्स डायग्राम बचा था या नहीं बेटा, कि हो गया था? शियर फोर्स डायग्राम मुझे लग रहा है बचा था इसका। क्या आप लोगों ने किया है इसको आगे? बताइए बेटा, नहीं हुआ था ना? हाँ मुझे भी ध्यान आ रहा, नहीं हुआ था। तो देखिए, वैसे तो मैंने बोला था आप लोग इसको कर लीजिए, बहुत इजी है। मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग आगे कुछ आज नया सीखेंगे। देखिए, यहाँ तक शायद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक बन चुका था हमारा, सुपर इम्पोज हो गया था, वैल्यूज हमने पूरी तरह से लगा दी थी। इसके बाद अब हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस क्या है कि आपको इंड मोमेंट देखने हैं कि इंड मोमेंट क्या आया है। इंड मोमेंट को अलग अलग जो स्पान अवेलेबल है उस स्पान में उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसको शो कर देना है, रिएक्शंस निकाल लेने हैं, रिएक्शन निकालने के बाद शियर फोर्स कैलकुलेट कर देना है और उस बेसिस पे एक डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पान ले लेते हैं, ए बी स्पान ले लेते हैं। ए बी स्पान में यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा दिया हमने। और देखिए यहाँ पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो मतलब तीन रिएक्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसके अलावा एक मोमेंट रहेगा। क्योंकि वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कोई लोड लगे नहीं हुए हैं, इंक्लाइन कोई लोड लगे नहीं हुए हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन हम लोग पूरी तरह से हटा रहे हैं। और फिर बचेगा क्या, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन बचेगा और एक मोमेंट बचेगा जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर VA जो एक मोमेंट है वो हमने सॉरी VA जो एक वर्टिकल रिएक्शन है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें यहाँ पर MAB ये जो निकला है वो देखना है। MAB मतलब फिक्स्ड सॉरी जो फिक्स्ड वाला जो A पॉइंट है उस पे कितना मोमेंट आया है। तो देख लेते हैं ऊपर क्या आया है, MAB कितना आया है, ये आया, देखिए MAB आया, MAB आया तो आया है क्या, माइनस का 2.665 आया। तो जब माइनस का आया है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में 2.665, ये देखिए ये 2.665 था, इसलिए मैंने 2.67 ले लिया है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा है। एक इंड का हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखिए दूसरा इंड जो है लेते हैं, अगर ये तो ये एक हिंज है, इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल वाला हटा देंगे, सिर्फ वर्टिकल रखेंगे। लेकिन ये चूंकि आगे कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पर भी एक मोमेंट आएगा, ठीक है, जो कि इधर के सारे मोमेंट को बैलेंस करेगा। तो जब इधर से पूरे मोमेंट को लगाना है मतलब हमें क्या चाहिए, एम बी ए चाहिए। अब हम एम बी ए को देखते हैं। हाँ देखिए एम बी ए जो है वो कितना आया है, 18.67 आया है, पॉजिटिव आया है, मतलब की जो है ये रहेगा क्लॉकवाइज रहेगा, पॉजिटिव का 18.67, क्लॉकवाइज 18.67, ये देखिए क्लॉकवाइज 18.67। तो ये हमने दोनों इंड मोमेंट जो हमने निकाले थे उनको हमने लगा दिया, जो रिएक्शंस जनरेट हो रहे थे वो हमने लगा दिए। अब जरा ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या VA और VB हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से फिर से कि V जो पॉइंट है वो क्या है, वो इधर से आगे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली हम लोग बी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो लेंगे। ठीक है, कभी भी ये गलती मत करना, ए के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो आपने लिया तो आपने यानी इधर वाला जो है इसको इसको जो है आपने इंड मान लिया, तो उससे आपका गलत आंसर आ जाएगा, तो इसको मत करना। तो इधर के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो लीजिए, लेंगे तो बी ए बताइए कैलकुलेट करने पर कितना आया है, इंड ए के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो लेंगे तो आपका वी ए कैलकुलेट होकर आएगा और वो कितना आएगा जरा बताइए। वी ए इक्वल टू 8 किलो न्यूटन, गुड। देखिए अब VA आ गया, अब इस जगह से VB नहीं निकलेगा, अभी VB को मत निकालने की कोशिश करेगा, VB अभी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए अब स्पान लीजिए BC स्पान लीजिए, ये VA निकल गया, थोड़ा सा काम खत्म हुआ। अभी आपको क्या निकालना है, ये C मतलब VC भी निकालना है और D क्या था, D शायद ये ओवर हैंगिंग का केस था,
तो डी पे कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, तो सी और वी बी मतलब वी सी और बी बी निकालना है आपको। तो अब आप पार्ट लीजिए, बी सी पार्ट लीजिए, बी सी पार्ट में शायद आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ है वो लगाइए, और मोमेंट बी और सी दोनों ही पॉइंट जो है वो हिंज हैं, तो हिंज पे दोनों ही जगह पे मोमेंट आपको लगा देना है। तो अब देखिए एम बी सी देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह बनेगा, ये देखिए पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब देखिए ये एम बी सी जो है वो कैसे हमने ले लिया वो देख लेते हैं। एम बी सी देखिए, एम बी सी जो है वो आया क्या है, माइनस का 18.67 आया है। तो माइनस है तो मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 18.67, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज 18.67। ठीक, अब देखते हैं ये सी पॉइंट पे, मतलब एम सी बी, एम सी बी हमें चाहिए, एम सी बी जो है वो 6 किलो न्यूटन है, 6 किलो न्यूटन है मतलब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 6 किलो न्यूटन लगा दिया हमने, ये क्लॉकवाइज 6 किलो न्यूटन लगा दिया। अब जो है अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ से जो है 6 हो गया। अब ये जो है इंड है, सी जो ये जो सी पॉइंट जो है वो ये इंड है, और बी जो है वो इंटरनल पॉइंट, इंटरनल सपोर्ट है। तो बी के अबाउट, अगेन बी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लीजिए और बताइए वी सी इक्वल टू क्या आया। बी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लीजिए और बताइए वी सी इक्वल टू क्या आया। वी सी इक्वल टू 9.88, हाँ गुड गुड। ठीक है, तो वी सी देखिए जिन लोगों ने नहीं अभी निकाला होगा तो वही सीधे है, वी सी मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हमने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो जो है -24 × 3 माइनस का 6, और ये पॉजिटिव का 18.67 इक्वल टू 0, और सॉल्व करेंगे तो 9.89 88 समथिंग आता चला जाएगा। तो हमने उसको 2 डिजिट तक रखने के लिए हमने उसको उसको लिखना कर दिया। ठीक है, तो देखिए VA मिल गया है, VC मिल गया है, और तीन ही रिएक्शन थे VA VB VC। तो अब VA प्लस VB प्लस VC इक्वल टू टोटल लोडिंग के कर दीजिए तो आपको VB मिल जाएगा, और अब बताइए VB कितना आया। VA प्लस VB प्लस VC इक्वल टू टोटल लोडिंग के बराबर आ जाएगा। 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है फोर फोर स्पान पे, और 24 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है जो है एक उस पे लगा हुआ है। तो अब बताइए टोटल लोडिंग जब हम लोग ऐसे करेंगे तो कितना मिलेगा। और एक लोड और लगा हुआ है उसको भी ध्यान रखिएगा, 5। VB इक्वल टू 35.11, ठीक गुड, बहुत अच्छे, दो तीन बच्चे ना मेरा मन खुश कर देते हैं। ठीक है, VB इक्वल टू हो गया। अब आपको VA VB VC तीनों पता चल गया है, लोडिंग आपको पता है, अब आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो बताइए शियर फोर्स का जो वैल्यू है वो ए पॉइंट पर कितना है, ए पॉइंट वो फिक्स्ड वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पर ऑर्डिनेट बताइए कितना है, शियर फोर्स का जो ऑर्डिनेट है। हाँ 8 किलो न्यूटन, ऑब्वियसली 8 किलो न्यूटन है क्योंकि वो VA जो है वो 8 किलो न्यूटन है। तो ये रहेगा अपवर्ड जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड जो फोर्सेस लगेंगे उनको निगेटिव मानेंगे, और एक ही सेक्शन से लेते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो यही रूल पूरे उसमें फॉलो होगा। तो ए पॉइंट पर हो गया 8 किलो न्यूटन। ठीक है, बी पॉइंट से जस्ट पहले, बी पॉइंट से जस्ट पहले कितना होगा, बी पॉइंट से जस्ट पहले, बी पॉइंट से जस्ट पहले जो होगा वो आएगा माइनस का 16। कैसे आएगा देखिए, ये आप पूरा देख लीजिए, देखिए ए पॉइंट पर तो 8 किलो न्यूटन है, बी पॉइंट में जस्ट पहले जो है वो क्या आ जाएगा, पहले आपके सामने क्या आया, अपवर्ड जो रिएक्शन आया
वीए वाला, तो ये आ गया 8 माइनस का बी पॉइंट से जस्ट पहले है, मतलब कि 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड 4 मीटर स्पान पे लगा हुआ है, मतलब ये लोड कितना हो गया ये, और ये क्या है डाउनवर्ड लोड था तो निगेटिव हो गया, बस इतना ही लोडिंग है और कुछ लोडिंग है नहीं, तो जो वैल्यू आएगी माइनस का 16 किलो न्यूटन आएगी। और जैसे ही जो है हम लोग बी पॉइंट के दूसरी साइड जाएंगे, जब हम लोग बी पॉइंट से आगे की ओर और बढ़ेंगे तो तुरंत वीबी भी एक्ट करने पड़ेगा करने लगेगा, जब वीबी भी एक्ट करने लगेगा तो वीबी का जो वैल्यू है वो अपवर्ड साइड में 35.11 है, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11.11। तो बी पॉइंट से जस्ट पहले जो है वो माइनस का 16, बी पॉइंट से जस्ट बाद जो है वो 19.11, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एफ पॉइंट, एफ पॉइंट से जस्ट पहले तक ऑब्वियसली यही लोड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। एफ पॉइंट हमने माना है जहां पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वहां पर, ठीक। तो एफ पॉइंट के जस्ट बाद जो पॉइंट लोड जो 24 जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो भी एक्ट करने लगेगा, तो माइनस का 24 और वैल्यू आ गई माइनस का 4.89। अब ये माइनस का 4.89 कहां तक एक्ट करेगा, सी पॉइंट से जस्ट पहले तक। अब सी पॉइंट के जस्ट बाद कितना आएगा, यही टोटल उसमें एक्ट होने लगेगा वीसी, वीसी कितना था 9.89 आया था, तो उसमें वो पॉजिटिव अपवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, और जो वैल्यू हमें मिलेगी सी पॉइंट पर ये 5 किलो न्यूटन मिलेगी, ठीक। इतने तक सब लोग पहुंचिए, यहाँ तक सबका सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ए पर 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, बी पर माइनस का 16, ये देखिए माइनस का 16, जस्ट बी पॉइंट से जस्ट पहले ये माइनस का 16 नीचे तक गया है, फिर बी पॉइंट के जस्ट बाद 19.11, देखिए पॉजिटिव में 19.11, ये कहां से यहां से यहां तक एज इट इज रहेगा, जब यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट करने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस का 89 हो जाएगा, माइनस का 89 हो गया, यही माइनस का 4.89 यहाँ तक रहेगा, फिर इसके बाद जब वीसी एक्ट करने लगेगा तो ये हो जाएगा क्या पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 5 और यहाँ तक वो एज इट इज पॉजिटिव का 5 जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है बेटा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था, यही रूल्स रेगुलेशंस आपको बार बार मिलेंगे, ये सिर्फ आई थिंक शायद ये ओवरहैंगिंग वाला था, ओवरहैंगिंग में बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हमें मोमेंट जो है जो लास्ट वाला जहाँ जिधर साइड ओवरहैंगिंग है उधर हमें उसको बस क्या कर देना होता है, मोमेंट से रिप्लेस कर देना होता है बस, और कोई नया इसमें नहीं होता है, और बल्कि इजी हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा तो या तो हैंड रेज करिए आप लोग, या तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिए। कोई हैंड रेज नहीं, कोई मैसेज नहीं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट केस में देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट केस आपके सामने है उसमें आपको डिफ्लेक्शन वाले रूल्स सीखने हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोगों को बहुत इजी इजी क्वेश्चंस, इजी तो नहीं है बहरहाल, लेकिन ये कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस में मैं आपको दे रही हूँ। जैसे अभी यहाँ पर हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर डिफ्लेक्शन आया तो सिर्फ डिफ्लेक्शन ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हो सकता है पूरी लोडिंग आ जाए, डिफ्लेक्शन आ जाए, ओवरहैंगिंग भी आ जाए, तो मतलब एक कंबाइंड वे में भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन क्या क्या डिफरेंस होगा वो आपको अलग अलग मैं अभी सिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या चेंजेस करने हैं वो आप लोग एक बार सीख जाएंगे तो आगे फिर आपको दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को अगर मतलब तरीका समझ में आ गया तो फिर कितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप कर पाएंगे। तो देखिए एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर, ये फिगर बना हुआ है, इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, शियर फोर्स डायग्राम बनाना। लेकिन अब शायद लास्ट वाले क्वेश्चन से मैंने शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनाए हैं क्योंकि अब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको आपको अगर बनाना है तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, जो जो डिफरेंस है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। इफ द सपोर्ट्स बी एंड सी सिंक बाय 3 mm एंड 5 mm रिस्पेक्टिवली, जो इसमें इन बी है और सी है वो क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, मतलब कि सिंक हो रहा है मतलब कि नीचे की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, तो बी कितना नीचे जा रहा है, 3
mm नीचे जा रहा है। सो इसको सही कर लीजिएगा बेटा, जो ये जो c है ये 5 mm है, ये मीटर लिख दिया है मैंने गड़बड़ से, इसको mm आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 mm रिस्पेक्टिवली है, तो ये जो c पॉइंट है वो क्या है, वो भी 5 mm नीचे जा रहा है, और 3 जो c वाला जो पॉइंट है, जो b वाला जो पॉइंट है, वो 3 mm नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की केस के लिए ई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। देखिए पूरे पूरे केस के लिए ई की वैल्यू और आई की वैल्यू जो है वो सेम दी गई है, वैल्यूज दे गए हैं, यानी इनकी वैल्यूज अब आपको रखनी पड़ेंगी, जरूरत नहीं होती है वैसे, अगर वैल्यूज ना भी दी जाती तो भी हमारा जो है केस सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो दे दी गई है वैल्यूज, अच्छी बात है, वैल्यूज आप रखेंगे, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको कोई लोडिंग नहीं दी गई है, जब लोडिंग नहीं दी गई है तो जो सबसे पहला जो आपको मैंने स्टेप बताया था कि आपको क्या करना होता है, फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने होते हैं, तो फिक्स्ड इन मोमेंट अगर आपको ध्यान हो तो पूरी तरह से वो लोडिंग पे डिपेंड करते हैं फिक्स्ड इन मोमेंट। तो जब लोडिंग ही नहीं है तो फिक्स्ड इन मोमेंट ऑब्वियसली जीरो ही होगा हर केस के लिए, तो सभी केसेस के लिए आप फिक्स्ड इन मोमेंट निकालिएंगे और आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। मैं जरा आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं, फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाती हूँ। अटेंडेंस हो गया है आप लोगों का, अब देखते हैं। देखिए फिक्स्ड इन मोमेंट जो है वो बी और सी, मतलब किसी में भी निकालिए, एम फिक्स ए बी, एम फिक्स बी ए, एम फिक्स बी सी, एम फिक्स सी बी, एम फिक्स सी डी, एम फिक्स डी सी, तीनों आपको जीरो मिलेंगे क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होता था कि हमें जो है इंड कंडीशंस बेसिस पे कुछ हमें एक्स्ट्रा मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते थे, कुछ रूल्स मतलब कुछ कंडीशंस मिल जाती थी, उन कंडीशंस को देखते हैं। तो देखिए ए और डी जो है वो दोनों क्या हैं, फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड हैं, तो मतलब इनके इन पे जो थीटा होगा वो होगा जीरो, यानी थीटा ए इक्वल टू जीरो और थीटा डी इक्वल टू भी जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, इसके अलावा तो और कुछ नया हमें कुछ मिलेगा नहीं, अगर यहाँ पर ओवर हैंग होता तो हमारे पास एक मोमेंट आ गया होता, अगर यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड इंड होता तो हमें एक मोमेंट पता चल गया होता जो कि जीरो होता, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ दो चीज आपको मिला, थीटा ए इक्वल टू जीरो और थीटा डी इक्वल टू जीरो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग एम ए बी वाले फॉर्मूले लगाते थे, जो कि एम ए बी इक्वल टू एम फिक्स ए बी प्लस टू ई आई बाई एल ब्रैकेट टू थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस का थ्री डेल बाई एल, ठीक है। अब देखिए, अब बस इतना ही आपको ध्यान देना है, अगर आप ये ध्यान दे गए तो फिर बेटा सब सॉल्व। देखिए ये आपका इक्वेशन यूज होगा। अब इसमें डिफ्लेक्शन की बातें की जा रही है, सिंक बोला गया है, तो मतलब सीधी बात है कि अब आपको ये डेल वाला टर्म भी इंक्लूड करना है, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है, इससे डेल से रिलेटेड मैंने जो आपको रूल्स बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे ये एक इंड है, पहले जो है वो ऐसे बीम था, ऐसे था बीम, ठीक है। इंड होने मतलब सिंकिंग होने के बाद या डिफ्लेक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, तो ये जो है ये डिफ्लेक्शन डेल हुआ, और ये पॉजिटिव कंडीशन होती है, ये आपका पॉजिटिव कंडीशन होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो अपनी जगह पर रहेगा, और राइट हैंड साइड वाला पॉइंट अगर नीचे जाता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, तो वो जो है वो पॉजिटिव केस की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा रूल देख लेते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन अपनी ही जगह पर है और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऊपर की साइड जाने लगता है तो वो निगेटिव की तरह काउंट किया जाता है। तीसरा रूल क्या है, अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो अपनी ही जगह पर रहे और
सॉरी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो अपनी ही जगह पर रहे और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मूव करे, तब क्या होता है? तो अगर देखिए, तो अगर केस ऐसा होता है, ऐसा मतलब कि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अपनी ही जगह पर रहे और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ऊपर की साइड मूव करे, तो ये केस होता है पॉजिटिव। और अगर ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अपनी ही जगह पर रहे और वो दूसरा साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो नीचे की साइड आ जाएगा, तो वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। इतना पॉजिटिव निगेटिव आप अगर याद रख ले गए तो बस आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज और कि पॉजिटिव निगेटिव जो है ए बी या बी ए दोनों के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब अगर बात की जा रही है ए बी की, तो हम लोग ये देखते हैं कि डिफ्लेक्शन जो बोला जा रहा है वो कैसा बोला जा रहा है। तो आपको ये बोला गया कि बी जो है वो शायद 3 mm सिंक होता है ना, 3 mm सिंक हो रहा है। तो जब बी जो है वो 3 mm सिंक हो रहा है और ए जो है वो अपनी ही जगह पर है, तो ये वाला केस बनता है। ठीक है, ये जो नीचे की साइड गया वो कितना गया, 3 mm नीचे गया, और ये केस ये अपनी जगह पर है, यानी ये वाला केस बना, यानी डेल जो है वो 3 mm लिया जाएगा और पॉजिटिव लिया जाएगा। गुड रवि भूषण बेटा, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो अब जो है डेल का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव का 3 mm लिया जाएगा। अब एल जो है वो मीटर में ले रहे हैं, तो सीधी बात है डेल को जो है वो भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एमएम से मीटर में कन्वर्ट करने के 10^-3 का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया और डेल जो है उसकी वैल्यू आ गई 3 × 10³। बस आगे कुछ सोचना ही नहीं है, डेल की ये वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूले में रख दीजिए एज इट इज, जो फॉर्मूला है पहले की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए एम फिक्स ए बी जो है वो है 0, 0 रख दिया। 2EI, अच्छा EI को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि देखिए हमेशा जो है EI जो है वो साथ में ही मल्टीप्लिकेशन में ही यूज होता है, और इसके अलावा इसकी यूनिट्स भी अलग अलग थी, तो उसको हमने सॉल्व किया। तो देखिए 200 kN/mm² और ये क्या है 4 × 10⁷ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू जो हमें चाहिए वो जो अभी सीधे मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी किलो न्यूटन mm² में मिलेगी। हमें वो वैल्यू चाहिए किलो न्यूटन m² में। जब कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल जो आपको मिलेगा ना वो 8000 kN/m² मिलेगा। हमने मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि हमने बाकी सारी यूनिट्स भी जो है वो मीटर में रखी हुई है। ठीक है, तो ई आई की वैल्यू अब हर जगह हम लोग 8000 रखेंगे, मल्टीप्लाई किया है बस, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो देखिए ई आई की जगह हमने 8000 रख दिया। अब लेंथ, लेंथ किसका है, तो ए बी पोर्शन का। देखिए जो स्पान ए बी पोर्शन का वो क्या है, 4 है, 4 रख दिया। थीटा ए जो है वो 0 है, थीटा ए इक्वल टू 0 रख दिया। थीटा बी अननोन है, थीटा बी अननोन रख दिया। माइनस का 3, 3 माइनस का 3। एल लेंथ क्या है, स्पान 4 मीटर है, 4 मीटर रख दिया। डेल, डेल अभी अभी आपने देखिए ऊपर उसको पॉजिटिव माना है और उसको ये 3 × 10⁻³ का 3 मीटर, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व किया तो वैल्यू आपको मिली है और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के रख दिया। अब स्पान बी ए के लिए आपको सोचना ही नहीं है। स्पान बी ए के लिए एज इट इज डेल इक्वल टू क्या रहेगा, पॉजिटिव का 3 mm रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना ए बी के लिए और बी ए के लिए दोनों के लिए जो है वो सेम सेम रूल्स रहे होते हैं। तो बी ए के लिए भी अभी भी क्या होगा, डेल इक्वल टू पॉजिटिव का 0.03 मीटर होगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये देखिए एम बी ए, एम बी ए इक्वल टू एम फिक्स बी ए वो की 0 है, 2 ई आई इक्वल टू 8000 है, डिवाइड बाई एल जो है वो 4 मीटर है, 2 थीटा बी, थीटा बी जो है अननोन है, थीटा ए जो है वो 0 है, माइनस का 3 एज इट इज, डेल ये रहेगा पॉजिटिव का 3 mm, 3 mm और डिवाइड बाई 4। इसको भी हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमें मिला। अब स्पान बी सी पे देखते हैं, अब स्पान बी सी को हमें फिर से देखना पड़ेगा। तो देखिए स्पान बी सी में हमें क्या बोला गया है, BC दोनों इंड सिंक हो रहे हैं। कितना कितना सिंक हो रहे हैं, जैसे देखिए BC जो है प्रीवियस कंडीशन थी, ये कंडीशन थी B की, ये कंडीशन थी और C की ये कंडीशन थी। B जो है कितना सिंक हुआ, 3 mm सिंक हुआ, मान लीजिए इस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया, B का नया पोजीशन ये है, और C जो है वो सिंक होकर 5 mm आ गया, 5 mm आ गया मतलब नीचे पहुंच गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 2 mm का डिफरेंस हुआ और ये ऐसा केस बन गया। सॉरी,
ठीक है। एक मिनट, अब देखिए, अब जो ये केस बना, देखिए बी ऊपर है और नेक्स्ट वाले केस में क्या है, सी जो है वो नीचे आ गया, नया जो पोजीशन बना वो ये बना, और बी और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आया, देखिए 5 - 3 मतलब 2, 2 का डिफ्लेक्शन हुआ, बी अपनी जगह पर। अब जो देखिए, भले ही बी और सी दोनों सिंक हुए हैं, बी जो है वो 3 mm सिंक हुआ है और सी जो है वो, बेटा देखिए इन जो है समय खत्म होने वाला है, तो जो दूसरा लिंक दिया गया है उससे आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग दोबारा ज्वाइन करिएगा जो दूसरा लिंक गिवन है उसमें से, ठीक। तो बी और सी, तो देखिए बी जो है वो सिंक 3 mm सिंक हुआ यहाँ पर आया, और सी जो है 5 mm सिंक होके यहाँ पे पहुंच गया। तो अब जो नया क्राइटेरिया बना उसमें बी जो है वो है यहाँ पर है और सी जो है वो है यहाँ पर है। तो अब देखिए, अब जो आप लोग लेंगे, जो केस लेंगे,